जाने माने अभिनेता और असल जिंदगी में एक नायक की भूमिका निभाने वाले सोनू सूद के घर और दफ्तर समेत छह ठिकानों पर लगातार आयकर विभाग इनकम टैक्स ऑफिस की छापेमारी जारी है। जैसा कि मीडिया में कुछ अपुष्ट खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि सोनू सूद को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि उनकी संस्था जो उनकी एनजीओ है सोनू सूद फाउंडेशन के अकाउंट में एक मोटी रकम ट्रांसफर की गई थी, जिसके बाद ये छापेमारी की गई थी। लेकिन ये खबर सरासर झूठ निकली है। इस बात की पुष्टि खुद कुछ अधिकारियों ने की है और सोनू सूद की तरफ से भी कुछ लीगल टीम ने ये बताया है कि ऐसी कोई भी खबर सच नहीं है जिसमें ये दावा किया जा रहा हो कि सोनू सूद फाउंडेशन में किसी भी तरह की मोटी रकम सामने आई है। आयकर विभाग दरअसल सोनू सूद की कुछ फिल्मों को लेकर टैक्स डिपॉजिट की पड़ताल कर रहा है। दावा किया गया है कि कुछ फिल्मों द्वारा कमाई गई रकम का सही ब्यौरा विभाग को नहीं दिया गया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं, जो कि जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आयकर विभाग डिटेल में जनता के सामने रखने वाला है। और इस मामले में क्या नई खबर सामने आती है ये आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।